प्लास्टिक अब एक देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी समस्या है। प्लास्टिक की वजह से नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है। इसके लिए प्लास्टिक की रिसाइकलिंग और यूज कर कम करने पर काम किया जाना चाहिए। इसी सोच के साथ विश्व प्रसिद्ध संगम मरी बेदाग इमारत में जब बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन कैंपेन के द्वारा पर्यावरण स्वच्छता का संदेश भारत की ओर से दिया गया तो सारी दुनिया इसकी गवाह बनी। पर्यावरण संरक्षण को दशहरा घाट पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एरिक सोलम, केंद्रीय संस्कृति पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और अभिनेत्री दिया मिर्जा ने सफाई की। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार केशव वर्मा ने यमुना की सफाई पर जोर दिया और जेसीबी मशीन से सफाई कराने को कहा। इसके बाद सभी ताजमहल देखने पहुँचे और 5 जून को विश्व भर में मनाए जाने वाले पर्यावरण दिवस की इस बार थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रखी गई है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के इस कार्यक्रम का मेजबान इस बार भारत है। इसकी शुरुआत रविवार को आगरा में ताज के साए में दशहरा घाट पर स्वच्छ पर्यावरण कार्यक्रम से की गई है। कार्यक्रम से दुनिया को ये संदेश दिया गया है, भारत पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफ़ी गंभीर है। 2022 तक आगरा होगा प्लास्टिक फ्री। यमुना में सफाई कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने के अलावा ताज की 500 मीटर की परिधि को पॉलीथीन फ्री जोन और 2020 तक शहर को प्लास्टिक फ्री करने की भी घोषणा की गई है। द प्लास्टिक पॉल्यूशन चैंपियन को लॉन्च करने के बाद प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने बताया ताजमहल की वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि पता चल सके कि आखिरकार ताजमहल किस रंग का है और जिससे कि ताजमहल को कभी भूरा या पीला ना कहा जा सके। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा SI के अलावा किसी और एजेंसी को हायर करने के मामले पर बोलते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर सकते। वहीं दिया मिर्जा ने बताया कि प्लास्टिक का बैग विश्वव्यापी समस्या, इसके लिए देश के हर नागरिक को पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। रितेश को प्लास्टिक पॉल्यूशन से मुक्त मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी विषय पर मेरा कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा और उन्होंने ये कहा कि एसआई इसका मॉन्यूमेंट का पिछले सैकड़ों सालों से इसका संरक्षण करती चली आ रही है और मैं समझता हूँ जो उसके मूल में जो कारण है हम उनको भी आज इसीलिए सभी सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार उसके भी ये दिक्कत आज हमारी नदियाँ पॉल्यूट हो गई हैं। डस्ट मैं देख रहा था कि जहाँ घाट पर हम खड़े थे दशहरा घाट पर वहाँ की इतनी मिट्टी उड़कर उस पर रोज आती है तो उन सबको हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे उन पक्ष। सर ताजमहल को बचाने के लिए यमुना में पानी होना चाहिए और डिसिल्टिंग होनी चाहिए, इस पर आप क्या कह रहे हैं? आज सभी लोगों ने, हमारे सांसद हमारे कठेरिया जी और मेयर साहब ने, नवीन जैन जी, सभी लोगों ने, विधायक ने, सभी ने इस पर चिंता जाहिर की है कि एक बैराज बनाकर वहाँ पानी की व्यवस्था की जाए। सर, और जिसके लिए हमारे प्लास्टिक वो पॉलिथिन है वो जमी हुई है सर, अगर वो जब तक क्लीन नहीं होगी तो वाटर सुझाव सही है, हम उसको बिल्कुल पहले क्लीन कर अभी सुझाव भी आया तब तक पानी परकोलेट नीचे नहीं करेगा तो ये मकसद पूरा। वाटर लेवल आगरा में बहुत डाउन हो चुका है। ये देखिए आगरा के होलिस्टिक डेवलपमेंट की अब आवश्यकता बहुत जरूरत है और इस वक्त देश की और प्रदेश की सरकारें सभी मंत्रालय मिलकर इस काम को पूरा। सर कब तक हो जाएगा आगरा का डेवलपमेंट? देखिए इसके लिए हम लोगों ने आज ये शपथ ली है कि समयबद्ध सीमा के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर कौन मंत्रालय इसमें काम करेगा और आज से 7 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर या लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्रीगण, सभी मंत्रालयों के अधिकारीगण इस विषय पर एक बृहद योजना की घोषणा करें। सर आगरा फोर्ट के सामने बहुत गंदगी है सर, वहाँ पे नाले की वजह से बहुत खुदा पड़ा है। देखिए उसका दूसरा कारण ये जो सीवेज के खुले नाले हम इस नदी में डालते हैं यमुना में, वह भी एक कारण है जिसके लिए वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री से और रिवर मंत्रालय से भी हमने आज उनके अधिकारियों को भी आज बुलाया। क्या आगरा को गंगाजल प्रोजेक्ट से प्रदेश सरकार ने तोहफा देने की बात कही है? देखिए तो हमारा प्रयास है कि गंगाजल या शुद्ध जल आगरा को मिले और जिसके लिए प्रशासन ग्लोबल सिंबल ऑफ लॉ एंड द फैक्ट दैट यू आर नाउ सेटिंग आउट हाउ द ताज महल एरिया कैन बी प्लास्टिक फ्री नॉट ओनली द ताज महल बट द सराउंडिंग एरिया and how we can work with the city of Agra to make the city cleaner and move towards a situation where there is much less litter in Agra and in India. This is so exciting, so positive, and we are so eager to work with the central government, with the government of Uttar Pradesh, with the mayor and the city administration of Agra, because together we can make big changes. We've also set out that we are offering the city government of Agra and the government of Uttar Pradesh. Let's work together to make the entire city of Agra a World Heritage Site, not just the individual sites. Some
cities. I think Ahmedabad was the first Indian city which became a World Heritage Site, and we can set out that. We're happy to work with the city or making a master plan for how to take Agra into a smart, green, modern city, kind of city where everyone wants to live. And we are eager to work with you on how to beat plastic pollution, because if you can beat plastic pollution in Agra, you'll be able to take this to the rest of the planet. So this is a fantastic, positive moment in human history. It's exactly when we turn the tide and beat plastic pollution. उत्तर प्रदेश ब्यूरो न्यूज़।